शिक्षा के मंदिर अब फिर से खुल गए हैं। पिछले हफ्ते चूंकि कक्षा 9वीं से 12वीं के जो स्कूल्स हैं उनको खोल दिया गया था, पर आज से फुल स्ट्रेंथ के साथ में स्कूलों को खोला गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्या बाल भवन स्कूल में, जहाँ पर एक्सरसाइज का रूटीन शुरू हो गया है। बच्चे यहाँ वापसी कर चुके हैं और सभी एक्सरसाइज के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज होती है और वही करते यहाँ पर बच्चे इस वक्त दिख रहे हैं। काफी समय के बाद बच्चे लौटे हैं, जो कि एक बहुत लंबा समय रहा है, मुश्किल वक्त भी रहा है। सर से जान भी लेते हैं कि कौन कौन से क्लासेस के बच्चे वापस आए हैं और कौन सी क्लासेस के नहीं आए हैं। देखिए, 2020 मार्च के बाद आज बच्चे वापस आए हैं, और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनका पहला दिन है, और हमने फर्स्ट फेज में 9th से लेकर के 12th क्लास को ओपन किया था। आज हमने 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया, और इनकी सारी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद हम नर्सरी क्लास पर जाएंगे। आज हमने छोटे बच्चों को नहीं बुलाया। आज मैंने देखा है कि बच्चों को जो मेन था फिजिकली एक्सरसाइज करने की बात थी, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो आज हमने हैप्पीनेस क्लास में लेकर के ग्राउंड में बच्चों को लाए, और यहाँ फिजिकली एक्सरसाइज करने के साथ साथ बच्चों से भावनात्मक बातें भी करेंगे, जिससे कि बच्चों को लगे कि हम 2 साल के बाद जो स्कूल से दूर थे और घर पर जो एटमोसफेयर था उसको हम यहाँ बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चों में ये इंटरेस्ट आए कि बच्चे आगे स्कूल को जल्दी से आएँ, और बच्चों में जो डर है कोरोना को लेकर उसको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पेरेंट्स के लिए भी हम एक मैसेज दे रहे हैं कि स्कूल एक बहुत सुरक्षित स्थान है, यहाँ पर आकर के बच्चे खुश महसूस करेंगे। जी सर, एक आप बात में बात बोली कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ क्लासेस के आ रहे हैं, यानी कि 4th से ऊपर के बच्चे आ रहे हैं अभी। अभी हमने खुद बुलाया बच्चों को, क्योंकि हम धीरे धीरे बच्चों को लाना चाहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें देखना है, सुरक्षा को भी देखना है, बच्चों को डिस्टेंस भी हमने मेंटेन करना है। पहले हम 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुला करके ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों में कितना स्कूल के प्रति अब दोबारा क्यूरियसिटी आएगी, और इसके बाद हम नर्सरी क्लास से, क्योंकि हम मैसेज तब देंगे जब उसके बाद हम बच्चों को देख लें, क्योंकि बच्चा छोटा है नर्सरी क्लास का। कहीं कहीं पेरेंट्स को ये भी डर है कि कोरोना को दोबारा उसका इफेक्ट ना करे, उन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे हम बच्चों को बुला रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पे फेज वाइज बच्चों को बुलाया जा रहा है, ये स्कूल का मानना है कि ताकि बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा सके और देखा जा सके कि कैसा जो मस्तिष्क पर उसका असर है स्कूल में वापसी का, वो कैसा होगा। उसके लिए यहाँ पे हैप्पीनेस क्लास भी कराई जा रही है, उनसे बातचीत की जाएगी, और यहाँ आप नज़र भी डालेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। हर बच्चा यहाँ पे एकदम लाइन में सीधे सीधे खड़े किए गए हैं, ताकि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन हो सके। मास्क सबके चेहरे पर है, अंदर आते वक्त भी सैनिटाइज किया गया है, जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ श्रुतिका दिल।